गुड मॉर्निंग, आप सभी का फिर से एक बार रुपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के मंच पर स्वागत है। चलिए तो हम लोग भौतिकी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, जिसमें आपको मापन और ये मात्रक, मापन मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन। मोशन का एक पार्ट पहले से बनाया जा चुका है, जिसमें आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बेहतर से समझाया गया है। आप इसको देखने से पहले उस वीडियो को, पहले वाले वीडियो को जो बनाया जा चुका है, जिसमें दूरी और विस्थापन के संबंध में बात किया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। गति अर्थात मोशन, देखिए आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका एक पार्ट बनाया जा चुका है जिसमें दूरी और विस्थापन के बारे में बात किया जा चुका है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन थोड़ा ही जानेंगे, ज़्यादा वहाँ पे वीडियो जाकर देख लेंगे। दूरी पूछता है क्या कि विस्थापन कौन सी राशि होती है, सदिश होती है या अदिश होती है। तो विस्थापन भी है सदिश होती है, वहीं दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। सदिश और अदिश का क्या कॉन्सेप्ट है? सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, अदिश उसे कहते हैं जिसके पास केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। दिशा का मतलब समझना है कि दिशा का मतलब ये होता है कि आप किधर जा रहे हैं, वही बताना, उसी का आंसर देना कि मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूँ या पश्चिम जा रहा हूँ या उत्तर जा रहा हूँ या ऊपर या नीचे, यही दिशा को बताता है। परिमाण के बारे में क्या होता है? तो बताता है कि परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, वो बताता है जैसे कि आप कितना, जैसे बोलेंगे ना कि अब यहाँ से हम चनपटिया से बिथियाँ गए, तो चनपटिया से बिथियाँ दूरी कितना, 18 किलोमीटर। तो ये 18 किलोमीटर, ये जो 18 होता है, यही क्या है, आपका परिमाण है। तो इस विस्थापन के पास दोनों होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, इसीलिए विस्थापन क्या होता है, सदिश, और दूरी क्या होता है, अदिश। जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन सा राशि सदिश है, कौन सा अदिश है। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश, और ये क्या हो जाएगा, सदिश। एक और चीज़ यहाँ से पूछता है कि क्या विस्थापन शून्य होता है? तो जी, विस्थापन तीनों होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। वहीं जब दूरी के बारे में बात करेंगे तो दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि विस्थापन शून्य कैसे होता है, इस सारी चीज़ें बताई जा चुकी है पिछले वाले वीडियो में। विस्थापन शून्य कहने का मतलब कि जिस बिंदु से आप चलना शुरू किए हैं उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो वहां पे विस्थापन शून्य होगा। देखिए ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछता है कि आपको फिगर दे देगा, फिगर ऐसे दे देगा, एक वृत्ताकार पथ दे देगा, बोलेगा इस वृत्ताकार पथ के बिंदु ए से राम चलना शुरू किया और फिर बिंदु ए पे पहुंच गया। तो बताइए राम के द्वारा कितना विस्थापन, राम ने कितना विस्थापन तय किया। तो यहाँ पे अभी आपको बताएं कि जिस बिंदु से चलना शुरू किया जाएगा उसी बिंदु पर आकर पहुंच जाएंगे तो विस्थापन क्या होता है, शून्य, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदु कौन सा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, तो इसका प्रारंभिक बिंदु वही है, यहीं से चलना शुरू किया, पहुंचा यहीं पे, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए वहां से आप देख सकते हैं उसको, हेलो। चलिए आगे चलते हैं चाल की तरफ। देखिए अब इसमें चाल के बारे में देखना है, क्या है चाल, किसे कहते हैं, कोई वस्तु कितना तेजी से चल रही है वो चाल बताती है, हल्ला नहीं करो, कि वस्तु कितना तेजी से चलती है वो क्या बताती है, चाल बताती है। ठीक है, इसे एक और परिभाषा में के रूप में जान सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या देती है, चाल देती है। तो इससे एक चीज मिल जाएगा, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल देती है, यानी दूरी बटा समय क्या बता देगा जी, आपको चाल बता देगा, क्या बता देगा, दूरी बटा समय, चाल। दो तरीके से हम चाल को डिफाइन कर सकते हैं, चाल, कोई वस्तु कितना तेजी से चल रही है, ये कौन बताता है, चाल बताता है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, तो चाल समझ गए कि हम कितना तेजी से चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं, ये क्या है, ये चाल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, क्या पढ़ना है कि चाल का मात्रक क्या होता है। तो पढ़े थे कि चाल क्या है, पहले ही बताइए कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि है कि आधारी राशि है, पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है और उम्मीद है कि आप बेहतर समझेंगे, क्योंकि चीज़ों को बहुत बारीकी के साथ छोटे छोटे चीज़ों को लेकर समझाया जा रहा है कि आप बेहतर से समझ सकें। तो देखिए चाल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, क्यों व्युत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आधारी राशि पर निर्भर है। अभी बताया आपको कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है, आपको आधारी राशि है, लेंथ मीटर में मापेंगे, समय भी क्या है, आधारी राशि है, तो ये दोनों आधारी राशियों पर निर्भर करता है, चाल क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आधारी राशियों का जो मात्रक होगा वही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो चाल के लिए मात्रक क्या हो जाएगा, चाल, दूरी बटा समय, तो दूरी के लिए क्या होता है, मीटर,
समय के लिए क्या होता है सेकंड, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, लिख देते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बीमा के बारे में, बीमा क्या होगा। तो बीमा भी आपको बताया थे कि बीमा क्या है, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, बीमा उसे बोलते हैं कि भौतिक राशियों के जो प्रतीक और संकेत होते हैं उन्हीं के घातों को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो देखिए मीटर के लिए दूरी, दूरी के लिए क्या बताए थे, बीमा क्या आएगा, दूरी के लिए एल आएगा, एल मीटर कितना बार है, एक बार, तो क्या करेंगे एल का पावर एक कर देंगे। एस के लिए समय के लिए क्या बताए थे, टी आएगा, तो टी लिख देंगे यहाँ पर। ये बटा में है तो बताए थे कि जो संख्या बटा में होती है उसको उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे एक है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक। तो ये क्या हो जाएगा, बीमा की सॉरी चाल की बीमा हो जाएगी। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, एम एल टी, एल वन टी का माइनस वन। एक चीज बताइए, यहाँ पे एम लाए तो क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, चाल की बीमा हो जाएगी। इसी तरह से जो भी टर्म आएगा उसको हम देखते चलेंगे, उसका मात्रक निकालते चलेंगे और उसकी बीमा भी निकालते चलेंगे, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि मात्रक और बीमा को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया, चलिए आइए। अब चाल को दो भागों में बांटा जाता है, चाल दो प्रकार के होते हैं, सॉरी दो प्रकार के नहीं, तो दो चाल को दो तरह से देख सकते हैं, क्या होता है, एक औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। औसत चाल का मतलब क्या होता है, देखिए बात करते हैं हम कि जैसे कोई मेरा जर्नी, कोई मेरा यात्रा हो, यहाँ से चलना शुरू किए, जैसे मान लीजिए पटना से चले और पटना से चलकर कहाँ गए, गया गए, तो पटना से गया जाने के दरमियान क्या ये जरूरी है कि जो स्पीड से पटना से चलना शुरू किए थे वही स्पीड को लेते हुए गया गए होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए ट्रैफिक भी नहीं हो लेकिन रास्ते में मोड़ आता है, मोड़ होता है वहाँ पे धीरा होना ही है, तो ऐसा इस तरह नहीं होता है कि जिस स्पीड से आप चलना शुरू करते हैं उसी स्पीड से आप कहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको जाना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जिस स्पीड से चलना शुरू करते हैं बीच में वो स्पीड ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। ठीक है, क्या होता है, बीच में स्पीड ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। तो औसत चाल का मतलब क्या होगा कि यहाँ से जैसे पटना से गया तक जाने में, पटना से गया तक जाने में जो समय लगा, यानी उस कुल दूरी को तय करने में जो समय लगा, उस समय से जब भाग देंगे तो हमारा चाल निकल के चला आएगा। कि देखिए अभी बताया कि चाल क्या होता है, कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। तो पटना से गया जाने में आपको विभिन्न चालों से गुजरना होगा, कहीं आपको ट्रैफिक नहीं मिला तो तेज़ी से जा रहे हैं, रोड स्मूथ है वहाँ भी तेज़ी से जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक है तो धीरा हो जाएंगे, मोड़ है तो धीरा हो जाएंगे, तो इस दरमियान आपका चाल कहीं बढ़ रहा है कहीं कम हो रहा है। लेकिन वहीं जब टोटल दूरी को लिया जाएगा और जो समय लगा उस समय से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, एक चाल मिल जाता है, उसी चाल को बोलेंगे औसत चाल। यानी कहने का मतलब क्या है कि औसत चाल क्या लेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी किसी यात्रा को तय करने में जितना हमने दूरी कवर किया और जो समय लगा है उस दूरी में उस समय से भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल, यानी डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, अब वही बात करते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होता है समझिएगा, औसत चाल तो समझ गए कि औसत चाल उसे कहते हैं कि टोटल जर्नी में, यानी पटना से गया तक जाने में जो टोटल दूरी हमने तय किया उसमें टोटल समय जो दिया उसका जो अनुपात मिल गया वो औसत चाल हो गया। लेकिन तात्क्षणिक चाल क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें क्या होता है कि किसी एक बिंदु पे बहुत से छोटे समय के लिए हम ज्ञात करते हैं कि वहाँ पे वस्तु का चाल क्या है, उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने चलना शुरू किया 10 सेकंड से 20 सेकंड तक गए हैं, ठीक है, लेकिन ये 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में जो दूरी तय किया है और इसमें समय लगा 10 सेकंड, तो इसको जब इसका ये करेंगे, दूरी मान लीजिए हमने कितना तय किया, 10 सेकंड से चलना शुरू किया और 20 सेकंड, 11:10 में हमने चलना शुरू किया, 11:20 में पहुंच गए, इस दरमियान दूरी मान लीजिए हमने 50 मीटर तय किया है या 50 किलोमीटर तय किया है। ठीक है, तो इसका जब ऐसे निकालेंगे तो ये जो आपको आ जाएगा ये 5 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगा कि हमने एक सेकंड में 5 किलोमीटर चला थी, औसत चला गया। लेकिन हम अब बात करेंगे तात्क्षणिक चाल के लिए, क्या बात करेंगे कि 11:10 या 11:11 पे वस्तु का वेग क्या है, 11:11 पे वस्तु का वेग क्या है, यानी जब कोई एक पीक पॉइंट चुनकर, कोई एक पॉइंट लेकर, उस पीक पॉइंट नहीं, कोई एक पॉइंट लेकर उस पे हम वस्तु का वेग चाल के बारे में गणना करते हैं उसी को क्या बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ये जो समय ले रहे हैं, ये समय क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा उसी समय ना, जैसे कि एक निश्चित समय, क्योंकि देखिए चाल हमारा क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है,
चाल यहाँ से चलना शुरू किया, बदल रहा है। तो हमें एक निश्चित बिंदु पे एक निश्चित चाल निकालना, तो इसके लिए क्या होगा, समय बिल्कुल छोटा लेना होगा। तो जब समय बिल्कुल छोटा होता है तो इस छोटे समय में छोटा दूरी भी तय होगा, इस छोटे समय में क्या होगा, छोटा दूरी, छोटी दूरी भी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यही होता है तात्क्षणिक चाल, वही है दूरी बटा समय। लेकिन जब ये समय छोटा होता है और दूरी भी छोटी होती है तो उसको ds बाई dt करके निकालते हैं। इसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन या अवकलन। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन या अवकलन। आगे देख लिया जाएगा कि डिफ्रेंसिएशन या अवकलन क्या होता है। इसे एक और तरीका से ग्राफ से भी देख सकते हैं, इसको ढाल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ढाल। और ढाल क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, जो इसी चैप्टर में आगे पढ़ा जाएगा। जब ग्राफ पढ़ा जाएगा तो वहां पे फिर से चीजों को एक बार से समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक, यही यहाँ तक के लिए इतना ही कि तात्क्षणिक चाल क्या हो जाएगा, किसी निश्चित समय बिंदु पर, वो समय बहुत ही छोटा होगा क्योंकि थोड़ा सा भी ज्यादा समय बढ़ेगा फिर वस्तु का स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो छोटा समय होगा और छोटा छोटी दूरी ही होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेल एस जब बिल्कुल छोटा हो जाता है तो ds हो जाएगा, और उसी तरह डेल टी जब बिल्कुल छोटा होता है तो dt हो जाएगा। तो तात्क्षणिक चाल के लिए क्या हो जाएगा, ds बाई dt, और वहीं औसत चाल के लिए क्या हो जाएगा, डेल एस बाई dt, सॉरी डेल टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आइए फिर फर्दर चाल को क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं। चाल क्या हो जाएगी, चाल दो प्रकार से होता है, एक एक समान चाल होता है और एक असमान चाल होता है। एक क्या होता है, एक समान चाल, और एक होगा असमान चाल। एक समान चाल देखिए क्या है, एक समान चाल के बारे में यह कहा जाएगा कि जब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, समान, एक समान चाल कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा, अर्थात कहने का मतलब है कि हमने चलना शुरू किया, ये समय हो गया 5 से 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड। देखिए इसमें समय का, समय कितना लग रहा है, 5 से 10 5, 10 से 15 5, 15 से 5, 15 से 20 5। यानी ये जो दो रेंज लिया गया है इन तीनों में क्या रेंज कितने देर का है, 5-5 सेकेंड का है। तो ये जब 5 से 10 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक चलते हैं तो हमने 5 मीटर दूरी तय किया। फिर 10 सेकंड से 15 मीटर तक चले तो देखें हमने 5 मीटर दूरी तय किया। फिर 15 से 20 सेकंड तक चले तो हमने देखा कि 5 मीटर दूरी तय किया। और देख क्या रहे कि यहाँ पे जो 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया गया, 5 सेकंड। फिर यहाँ से 5 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया गया, 5 सेकंड। फिर यहाँ से 5 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लिया गया, 5 सेकंड। तो देख रहे कि बराबर समय अंतराल है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और दूरी भी क्या है, बराबर तय कर रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे कि ये वस्तु क्या है, एक समान चाल से चल रही है। अर्थात बराबर समय अंतराल में जब समान दूरी तय किया जाएगा तो उसे कौन सा चाल बोलेंगे, एक समान चाल। वहीं असमान चाल क्या जाएगा, बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय किया जाए। जैसे मान लीजिए पहला बार हमने 5 मीटर तय किया, अब हमने क्या किया कि और स्पीड बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ाने तो क्या हो गया, 10 मीटर तय कर लिया। फिर क्या हुआ कि ब्रेकर आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो इस वजह से हमने स्पीड क्या कर लिया, घटा लिया। तो फिर अगले समय में 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, हमने 3 मीटर तय किया। तो यहाँ पे समय अंतराल तो एक समान है लेकिन जो हमने दूरी तय किया है वो असमान है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो वस्तु चल रहा था, चल रही थी, जो भी वस्तु थी वो क्या होगी कि एक असमान चाल से चलेगी। अर्थात असमान चाल करने का मतलब क्या होगा कि बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहेंगे, ठीक है। तो चाल के बारे में यही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं वेग के बारे में। देखिए चाल और वेग दोनों एक ही चीज है। जैसे हमने दूरी और विस्थापन देखा था उसी तरह चाल और वेग के बारे में देखते हैं। तो पहले आपको बताएंगे कि दूरी और विस्थापन में बताइए कि आपको क्या होगा। दूरी और विस्थापन में आपको बताना था कि दूरी अदिश है कि विस्थापन अदिश है। तो हमने बताया दूरी अदिश है। देखिए ये जो चाल होता है ना, इस चाल के पास केवल परिमाण होता है, लेकिन वही जब हम बात वेग का करेंगे तो इसके पास दिशा हो जाएगी। इसके पास क्या हो जाएगा, दिशा। यानी कहने का मतलब जो हमने अभी तक कहा था कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, जैसे हमारा एक आंसर आया था ना 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु जा रही है, 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु जा रही है। तो ये क्या है, ये चाल के बारे में बता रहा है क्योंकि चाल अदिश होता है तो केवल इसके पास क्या होगा, परिमाण होगा। लेकिन जब वहीं हम वेग के बारे में बात करेंगे, यही वेग होता तो वेग के लिए क्या होता कि लगा देते ये साइन है सदिश का, ठीक है। ये बोलना होता कि ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड किधर जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है या पश्चिम दिशा में जा रही है या दक्षिण में जा रही है या उत्तर जा रही है या कहीं जा रही है, ठीक है। तो जब दिशा जुड़ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये परिमाण हो गया, जब इस परिमाण में दिशा जुड़ जाएगा तो उसे क्या कहते हैं,
वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। अर्थात चाल क्या हो गया? अदिश राशि। वेग क्या हो गया? सदिश राशि। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब है कि वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेग को डिफाइन के लिए कहेंगे कि इसके वेग किसे कहते हैं? जब वस्तु दिशा के साथ साथ परिमाण भी रखती हो तो वो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। किसके संदर्भ में? चलने के संदर्भ में। ठीक है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो चलने के संबंध में संदर्भ में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वेग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम फिर इसका ले लेते हैं। चलिए एक मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा। चलिए देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेग, वेग के बारे में समझ चुके हैं कि ये चाल अदिश होता है, वेग क्या होता है? सदिश होता है। इसके पास परिमाण और दिशा दोनों साथ होता है। तो हम बोल रहे थे चाल, एक और इसका परिभाषा बताया था कि कई समय में तय की गई दूरी चाल होती है। वेग के लिए क्या कहेंगे? देखिए चाल अदिश है तो इसको अदिश रिलेट किए थे दूरी। वहीं जब ये वेग सदिश है तो इसको किससे रिलेट करेंगे? सदिश से, विस्थापन से। तो क्या कहेंगे? इकाई समय में तय की गई विस्थापन क्या होगी? वेग होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आते हैं वेग। जैसे चाल का था औसत चाल, उसी की तरह वेग का होगा औसत वेग। जैसे चाल के लिए था तात्क्षणिक वेग, उसी तरह वेग का होगा तात्क्षणिक वेग। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। औसत वेग क्या होगा? पूरे जर्नी के दौरान जो हमारा वेग रहा होगा, पूरे जर्नी के दौरान मिलाकर जो वेग रहा होगा वो क्या हो जाएगा? औसत वेग। और जब किसी निश्चित बिंदु पर हमें वेग निकालना होगा, ज्ञात करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो औसत वेग हो जाएगा ds बाई dt, बस ध्यान रखना है, सॉरी ds बाई dt, बस ध्यान रखना है कि वहाँ पे s क्या था? दूरी। और यहाँ पे s क्या है? विस्थापन, क्योंकि सदिश है तो सदिश के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt, क्योंकि ये छोटा हो रहा है, छोटे जब बिल्कुल ये छोटा बदल जाएगा, जब कोई बड़ा चीज छोटे में बदलना होता है तो उसे अवकलन निकालते हैं ds बाई dt। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित होता है। क्या करा? अचर वेग में अचर चाल। अचर कहने का मतलब क्या होता है कि अचर का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो नहीं बदले। अचर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो नहीं बदले। लिखा है कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित होता है। अचर वेग कहने का मतलब वैसा वेग। देखिए यहाँ से एक और चीज, चाल क्या था? सॉरी छूट गया है, चाल एक समान चाल था, असमान चाल था। उसी तरह वेग एक समान होगा, असमान वेग होगा। ठीक है, वेग क्या होगा? असमान, सॉरी एक समान वेग, असमान वेग। एक समान वेग में क्या होगा? वहीं बराबर समय अंतराल में बराबर विस्थापन हो तो क्या हो जाएगा? एक समान वेग हो जाएगा। और असमान वेग क्या होगा? जब बराबर समय अंतराल में असमान विस्थापन हो तो इसे क्या हो जाएगा? असमान वेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेग में देखिए, वेग में दो क्वांटिटीज है। एक क्या है आपको? परिमाण। एक है आपको परिमाण और दूसरा क्या है जी? दिशा है। तो ये दोनों में से कोई एक चीज बदलेगा, या परिमाण बदले या दिशा बदले। अगर परिमाण भी बदलेगा तो वेग बदलेगा, अगर दिशा भी बदलेगी तो वेग बदलेगा। दोनों में से कोई एक चीज बदला तो वेग बदल जाएगा, जो वेग बदल जाएगा तो फिर असमान वेग होगा। ठीक है, तो हमने अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात हमें क्या बात करना था कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित होता है। अर्थात अचर वेग कहने का मतलब क्या होगा? वैसा वेग जो नहीं बदलता हो, जो क्या हो? नहीं बदलता हो। यानी अर्थात कहने का मतलब अचर वेग मतलब क्या कि एक समान वेग, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर समान विस्थापन तय करता हो। तो साथ ही क्या होगा कि उसका परिमाण भी समान होगा और दिशा भी समान होगी। तो जब परिमाण समान होगा, दिशा समान होगी, तो देखिए चाल के पास केवल क्या होता है? परिमाण होता है। तो जब परिमाण हर दफा बराबर रह रहा है तो चाल के लिए क्या होगा? चाल में क्या होगा? केवल परिमाण से मतलब है। तो इसीलिए बोला जाए कि अचर वेग में अचर चाल रहता है, क्योंकि जब अचर वेग होगा तो उसमें तो परिमाण हमेशा एक समान रहेगा, और अचर वेग अचर चाल के लिए क्या चाहिए? परिमाण एक समान होना चाहिए। तो अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित रहेगा। अब हम इसके अपोजिट आते हैं। क्या ये कहना सही रहेगा कि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित हो? ये कहना सही होगा कि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित हो? देखिए बिल्कुल कहना सही नहीं होगा। अचर चाल का मतलब क्या होगा कि वैसा चाल जो बराबर समय अंतराल में, अचर मतलब वही है एक समान, अचर मतलब जो ना बदले। अचर चाल का मतलब हो जाएगा वही चीज कि एक समान, सॉरी बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में समान दूरी तय करे, वो क्या बताएगा आपको? अचर चाल बताएगा। तो बराबर समय में, बराबर समय में समान दूरी का मतलब क्या हुआ कि केवल इसको परिमाण से मतलब है कि 5 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 5 मीटर। यहाँ पर दिशा का कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जब हम वेग पे आएंगे तो वेग को दिशा भी बताना होगा। हो सकता है कि 5 सेकंड में 5 मीटर पूर्व चला हो, फिर अगले 5 सेकंड में पश्चिम चल गया हो,
पूर्व 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 ये है तो अपोजिट आ गया हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि दिशा बदल जाए, तो दिशा जब बदल जाए तो क्या वेग बदलेगा कि वहीं रहेगा, वेग बदल जाएगा क्योंकि वेग सदिश होता है, इसके पास दो राशियां होती है परिमाण और दिशा। अगर दिशा बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, ठीक है समझ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अचर वेग में अचर चाल अंतर्निहित है, लेकिन अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं होगा क्योंकि अचर चाल केवल परिमाण के बारे में ही डिफाइन करता है, परिमाण को ही बताता है कि हमने बराबर समय अंतराल में बराबर दूरियों को तय किया है, दिशा के बारे में नहीं बताता है कि इस दिशा में गए कि किधर गए। तो दिशा बदल भी सकता है, इसीलिए कहेंगे कि अचर चाल में अचर वेग अंतर्निहित नहीं करेगा, लेकिन जब अचर वेग होगा तो उसमें अचर चाल अंतर्निहित करेगा। ठीक है, बातों को समझ गए। तो चाल वेग, दूरी, विस्थापन, चाल वेग खत्म हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं त्वरण, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं त्वरण के बारे में पढ़ना है। देखिए त्वरण क्या होता है समझ लेते हैं, त्वरण क्या होता है। वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण, त्वरण क्या है कि जब वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो त्वरण का जन्म कब होता है, त्वरण आया कब, जब वेग में परिवर्तन हुआ, जब क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। अगर हमने कहा कि हमने अपनी यात्रा शुरू की 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा शुरू की और उसी हिसाब से मैं 1 घंटे तक चलते रहा, मेरे वेग में किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी, कोई घटाव या कोई भी किसी प्रकार का बढ़ोतरी या किसी प्रकार का कमी नहीं किया गया, तो क्या वहाँ पर त्वरण का सिग्निफिकेंस आएगा? जी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि त्वरण क्या है, जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण होगा। क्या है जी, वेग में परिवर्तन जब होगा तो त्वरण होगा, ठीक है। तो त्वरण को कैसे परिभाषित करेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, हमने ये समझ लिया कि त्वरण किसे कहेंगे, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहेंगे। तो ये परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, क्या हो सकता है, पहली अवस्था में या तो वेग बढ़ जाए, अगर दूसरी अवस्था को लेते या तो वेग घट जाए। तो दोनों अवस्था में परिवर्तित हो रही, जैसे मान लीजिए हमने 10 मीटर पर सेकंड वेग से चलना शुरू किया है तो हो सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकंड वेग 15 मीटर पर सेकंड वेग हो जाए, या हमने 10 मीटर पर सेकंड वेग से चलना शुरू किया है तो कुछ दिक्कतों की वजह से हमारा स्पीड क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकंड हो गया या 6 मीटर पर सेकंड हो गया। तो एक अवस्था, पहली अवस्था में वेग बढ़ रहा है और दूसरी अवस्था में वेग घट रहा है। तो इसी त्वरण का एक और नाम होता है मंदन, रिटार्डेशन। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन और मंदन को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो जब वेग बढ़ेगा, जब वेग बढ़ेगा तो परिवर्तन हो गया, 10 से 15 हुआ या 10 से 20 हुआ या 10 से 40 हुआ, जो भी हुआ तो परिवर्तन हो गया। तो वेग बढ़ा, परिवर्तन हुआ, तो वहाँ पर आएगा जो टर्म वो क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। वहीं जब वेग घटेगा, क्या बोल रहे हैं जी, ध्यान से सुनना, जब वेग घटेगा 10 से 7 या 8 या 6 हो तो वहाँ पर वेग घटा तो उसी को क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है। बस यही समझना है कि जहाँ भी वेग में परिवर्तन हो वो त्वरण हो जाएगा और जहाँ वेग में परिवर्तन ना हो वहाँ पे त्वरण नहीं होगा। अगर हमने जिस स्पीड से चलना शुरू किया है उसी स्पीड से चलते गए तो क्या होगा, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होगा, ठीक है। तो त्वरण दो प्रकार के हो गए, एक त्वरण हो गया और एक मंदन हो गया। जब वेग बढ़ेगा तो वहाँ पे त्वरण होगा, जब वेग घटेगा तो वहाँ पे क्या हो गया, मंदन। तो जो वेग घटेगा, ठीक है, तो वहाँ पे मंदन, और जब वेग बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है। त्वरण क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि होगा। त्वरण क्या होता है, सदिश राशि। तो क्योंकि इसको परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है, ठीक है। चलिए कुछ बातों को लिख लेते हैं, इससे समय आपका बचेगा, एक मिनट के लिए पॉज किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्वरण के बारे में पढ़ चुके हैं कि त्वरण क्या होता है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि त्वरण, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या हो जाएगा, वही जो चीज़ हम उसी समय से कहते हैं कि बराबर समय अंतराल में बराबर होना चाहिए। जब बराबर समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा तो उसे एक समान त्वरण कहेंगे। जब वही समान एक बराबर समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन हुआ तो उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे, ठीक है। तो हमने त्वरण का परिभाषा, त्वरण को किसे डिनोट करते हैं, छोटा ऐसे डिनोट करते हैं। तो त्वरण के बारे में हमने क्या जाना कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ये त्वरण कहते हैं। समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो ए बराबर लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन को क्या होगा, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हुआ तो 10 में से 20 में से 10 घटाएंगे 10, ये 10 जो मिला क्या मिला, हमें वेग ही मिलेगा,
ये क्या जो 10 है 20 में से 10 कटे वे वेग मिला, तो वेग का एक मात्रक क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड। और फिर नीचे क्या है, समय है, समय का क्या होगा, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बता सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से हम इसके बीमा भी ज्ञात कर लेंगे। बीमा ज्ञात करने के लिए क्या बताया था जी कि मीटर के लिए क्या होगा, एल लेंगे लेंथ, तो यहाँ पे मीटर कितना, एक, तो एक। सेकेंड के लिए क्या बोले थे, टी बोले थे, तो यहाँ पे बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एक त्वरण की बीमा हो जाएगी एल का पावर एक टी का पावर माइनस टू। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे जिसमें एम डालेंगे, जो एम किसका सूचक होता है जी, द्रव्यमान का, मास केजी का, तो यहाँ पे एम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। अर्थात कहने का मतलब एम का पावर जीरो, एल का पावर वन, टी का पावर माइनस टू, ये क्या हो जाएगी, त्वरण की बीमा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो त्वरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे एक टर्म लिखे हुए वी माइनस यू बाई टी। इसको हम लोग आगे देखेंगे, ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो वहीं पे भी एक बार फिर से भी आएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको ग्राफ के बारे में पढ़ना है तो फिर से आपको यहाँ पे आएगा, आपको क्या आएगा, फिर से वहाँ पे भी और यू आएगा, वहाँ पे समझेंगे। देखिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यू क्या होता है, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी पहले किसी वेग से चला होगा, बाद में कुछ वेग प्राप्त किया होगा, या वो घटा हो या बढ़ा हो, या वो कम हुआ हो या बढ़ा हो, लेकिन बाद में प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेग प्राप्त हो रहा है, एक पहले वाली स्थिति का और एक बाद वाली स्थिति का। तो जो पहले वाली स्थिति का वेग होता है उसे बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, पहले, और उस प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, और जो बाद वाली वेग होता है, स्थिति का वेग होता है, उसे अंतिम वेग करते हैं, उसको भी से सूचित करते हैं। तो परिवर्तन में वही निकालते हैं कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ये बराबर हो जाएगा वी माइनस यू, किसके रिस्पेक्ट में रखते हैं, समय के रिस्पेक्ट में, बटा टी। तो ए बराबर क्या निकल के आ गया आपको, वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ तक हमने आपको मोशन में क्या पढ़ लिया, दूरी और विस्थापन, दूरी अदिश, विस्थापन सदिश, फिर पढ़ लो चाल और वेग के बारे में, चाल अदिश, वेग आपको क्या हो गया जाएगी, सदिश। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े त्वरण के बारे में, त्वरण क्या है, सदिश है। त्वरण होता है क्या कि वेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कब होगा, जब वेग में परिवर्तन होगा। ये त्वरण कितने पर कितने कितने रूपों में होता है, एक बढ़ते हुए वेग और एक घटते हुए वेग। जब वेग बढ़ रहा हो, वेग बढ़ने के दरमियान परिवर्तन हो रहा हो तो उसे त्वरण कहेंगे, जब वहीं घटने की बात हो रही हो तो उसे क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे, रिटार्डेशन कहते हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण, एक असमान त्वरण। समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन तो समान त्वरण, अगर समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन तो उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण कहेंगे। इसका मात्रक और बीमा देख ही लिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बातों को अच्छे से समझ में आए। ग्राफ में दो राशियों को लेते हैं, चलिए आगे अगले वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको समाप्त करते हैं। ग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो फॉर्मूला होता है गतिकीय जो समीकरण है कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, उसके बाद आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये जो भी फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज तो यहाँ पे आ गया, a बराबर वी माइनस यू बाई टी। इन सारे फार्मूलों को सिद्ध करेंगे ग्राफ के द्वारा और ग्राफ पे समझेंगे कि ग्राफ से क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ग्राफ दे देता है और ग्राफ देकर बता देगा, आप बताइए किसका चाल ज़्यादा है। जैसे आपके सामने ये दो ग्राफ दे देगा, एक ये दे देगा, यहाँ कुछ एंगल दे देगा, मान लीजिए 30 दे दिया, एक ऐसे ग्राफ दे दिया, यहाँ पे कुछ एंगल ऐसे बढ़ा के इसको दे दिया, 60 दे दिया। अब बताए पूछेगा कि बताइए इस दोनों ग्राफ में ये दो वस्तुओं का, यहाँ पे कार ए चल रही है, कार बी चल रही है, बताइए किसका वेग ज़्यादा है। तो इन सारी बातों को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है कि आप मन से पढ़ रहे होंगे लोग, बातों को समझ रहे होंगे लोग, कॉपी में नोट कर रहे होंगे लोग, ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाया जाएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कहाँ से इसके आगे ग्राफ, और ये जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ छोड़े थे प्रकाश का परावर्तन, तो वहाँ से अगले वाले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन से शुरू करेंगे। और सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब्जेक्ट को ऐड किया जाएगा, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो भी बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, चीज़ों को और बेहतर तरीके से ले जाया जाएगा, हर एक छोटे छोटे बारीकी चीज़ों को पकड़ा जाएगा जिससे आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। क्वेश्चन भी कराया जाएगा कि ये जो पढ़ें इससे हमारा कितना क्वेश्चन लग रहा है,
लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक वीडियो लाया जाएगा क्वेश्चन पे कि हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।